अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? अख़बार में कहीं लोन की ख़बर आ जाए या कहीं जॉब्स की ख़बर आ जाए, उसका मतलब एक बड़ी अहम बात आपसे शेयर करनी है और आपने जहन शीन कर लेनी है। और एक दूसरा है, ओमान में हालात जो है ना बड़े ख़राब हैं, ये है वो है, उसका मतलब हम थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू करेंगे। आपने सुनना भी है, अमल भी करना है। आज 4 दिसंबर 2022 इतवार का दिन है, नेशनल डे की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, लोग वापस आ रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे और आने वाले दिन सबके लिए अच्छे हों। कल खबर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने 10 मिलियन जो है 1,91,000 रियाल जो है वो लोन पास किया है, लेकिन किन के लिए वो किया है भैया? वो लोग जिनकी ज़राअत मुतासर हुई थी शाहीन साइक्लोन की वजह से, शाहीन जो समुद्री तूफ़ान आया था उसकी वजह से, जिन लोगों की ज़राअत की सरसीज और दीगर जितने भी मसले मसाइल एग्रीकल्चर के वो मुतासर हुई थी या अफेक्ट हुई थी, उनको जो है लोन दिया गया। और ये लोन है, ये उनके नुकसान का हजाला नहीं है, ठीक है। और 400 से ज़ायद एप्लीकेशन थी, 250 के करीब लोगों को ये लोन मिलेगा, फ्यूचर में हो सकता है बाकी सबको भी। तो सीन क्या है, कहीं पर लोन की खबर आ जाए तो ये मत समझिएगा कि इसमें एक्सपायर्स भी शामिल हैं, खारजी भी शामिल है, 99.9 जो है वो आहो। और हाँ, अगर किसी खारजी की कंपनी है उनके ऊपर भी दे आर ऑल्सो अफेक्टेड, तो उनको भी मिलेगा। और दूसरा क्या जो कि आहो, और दूसरा है जॉब्स की, कहीं पर भी लिस्टिंग हो, कोई भी जॉब अनाउंसमेंट होती है तो लोग कहते हैं कि भैया इसमें एक्सपायर्स की इतनी खबरें आती हैं अखबार में, आप बताते नहीं हो, या वैसे ही खबर आई है और उसमें एक्सपायर्ड ब्ला ब्ला, ठीक है। तो भैया देखिए, ओमान में कोविड के बाद स्पेशली जितनी भी आपको मिलेगी न्यूज़ मिलेगी जॉब्स की, वो 99.9% ओमानियों के लिए होती, खारजियों के लिए नहीं होती। हाँ, अगर कहीं आपको लगे खारजी लिखा हुआ है तो वो ये लिखा होता है कि ये जॉब जो हैं खारजियों की ओमानियों के साथ रिप्लेस की जाएंगी, सही है। लोन का जिक्र हो, जॉब का हो, तो आपने समझ जाना है कि ओमान में वो लोकल्स के लिए है, खारजियों के लिए नहीं है। रेयरली आपको मिलेगा, वंस इन अ ब्लू मून भी नहीं, साल में शायद एक आधी खबर, ठीक है। और दूसरा है, ओमान में हालात अच्छे नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, बेशक कुछ भी नहीं है, बहुत वर्स्ट कंडीशन है, लेकिन आप अच्छे अंदाज में लोगों को गाइड कर सकते हैं, ना कि ये बोलें। बहुत सारे लोग गालियाँ निकालते हैं, कमेंट में देख लीजिएगा, बहुत शरारती लोग जो हैं वो गालियाँ निकालते हैं, ओमान में ना आ जाते इदां दे इदां ये तो वो। देखिए, जो लोग हैं या जिनके आने का प्लान है, वो जहन में रख लें कि हमें कोई भी काम मिलेगा तो हमने करना है। जो नाकाम लोग हैं वो हर चीज़ की कंप्लेन करते हैं, मैनू जी की कुर्सी वाली जॉब तो सद्या सी, तो इतने मैं दिहाड़ी तो लाता, दिहाड़ी मेरी इन्नी रियाल लिखी सी, इतने मैंने इन्नी दिन देने। सबसे पहली चीज़ है कि आपने सर्वाइवल करना है, आपने हालात को समझना है, उसके बाद आपने कोई भी एक्शन लेना है, ना कि ये आप काम छोड़ के बैठ जाएँ और कंप्लेन शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ये काम मत कीजिएगा, जो करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अभी के अभी छोड़ दें, वरना आपके लॉ सारी उम्र के लिए लग जाएंगे। तो एक तो ये काम की कंप्लेन जो है वो छोड़ दें, जहन में आया जी मैंने ये काम के लिए आया था या ये मुझे काम था, अभी जो है कोई और काम है तो मैंने ये नहीं करना, वेले रहना है, कंप्लेन करते जाना है, अपना नुकसान करते जाना है, लेकिन काम नहीं करना, ठीक है। तो ये काम की तमीज़ छोड़ दें, अगर हालात बुरे हों तो आपको भी उसके साथ चलना है और आपको जो काम मिलता है वो ज़रूर करें, अपना दिन ज़ाया नहीं करें। उसके बाद एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर कंट्रोल के लिए हम सब के जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, हर बंदा जो है वो इसके ऊपर एफर्ट करेगा तो ये मुमकिन है। जो कि माशे से निकलना लग रहा है कि ये चीज़ निकलेगी नहीं, वो ये है कि जॉब्स के मसाइल, जॉब है सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, कई महीने की सैलरी पेंडिंग है, पैसों के लेन देन का मसला है, वीज़ों के लेन देन का मसला है, तो वो चीज़ें जो है ना वो कंप्लेन जो है उसके लिए बड़े इदारों की मुदाखलत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला अगर हम कोशिश करेंगे कि जो भी मोतबर इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि एटलीस्ट रहनुमाई अच्छे तरीके से हो जाए, अगर किसी का कोई मसला मसाइल है उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वहाँ से उनको एग्जैक्ट और प्रॉपर जो है वो एग्जैक्ट प्रॉपर एक ही गाल उनको रहनुमाई मिले, गाइडलाइन मिले कि भैया अगर आपका ये मसला है तो इसका सबसे आसान हल ये है, और अगर आप ये करते हो तो उसका नुकसान ये है, उसका फ़ायदा ये है, सही है ना। तो वो भी इंशाल्लाह ताला खैर कोशिश करेंगे, और वो आप सब दोस्त अहबाब की मुआवनत से, मदद से और एक साथ चलने से होगा, ठीक है। उसके ऊपर फर्दर जो है ना मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे, और किसी दिन फिर एक नुक्ते पर पहुंच के ज़रूर हुकामे बाला से इसके ऊपर बात भी करेंगे, ठीक है। तो कोई भी काम मिले वेले नहीं रहना भाईजान, सीधे वेले हो तो मैनू अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेज दो, उनकी कन्वर्सेशन आपको मिल जाएगी। जज़ाकअल्लाह।